Assalamu alaikum everybody, this is Vada Khalid live from Islamabad Property Sales Event Day 2 happening at the Crystal Ballroom Marriott Hotel. Today is the second and last day of this event and it will be going on till 7 PM. So, mere saath hai Ahmed Moaz aur Ahmed se main basically baat karungi investment opportunities ke hawale se. Ahmed, I am looking for an opportunity. I want to invest into something, maybe residential, because something जो कि मुझे in future जिसका मुझे फ़ायदा हो. I can see कि अगर मैंने अभी इतने पैसे लगाए हैं तो मुझे in future जो है वो 2 साल बाद 4 साल बाद किस चीज़ पे मुझे जो है वो उसकी अच्छी एक appreciation होती है, value for money, किस मतलब investment उसमें है. Your name? So Varda, you're from Islamabad, right? I'm Lahore. You're Lahore based, and you're coming from Lahore, and you're based there as well. At the moment, okay. So, what? I am Lahore based, but I want to see something in Islamabad as well for the future perspective. So, if I plan to move out to Islamabad or for the business idea, something, it can be anywhere in the country. So, tell me about that too. Okay. So basically, we are sitting at this property sales event by Zameen.com, and it was today, and it's today, and it was also for yesterday. So we are showcasing our best projects in Islamabad and Rawalpindi, and we are offering very good discounts in these 2 days for those projects as well. So coming back to your question, आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं किसी प्रोजेक्ट में जिस पे आपको फ्यूचर में जो है एप्रिसिएशन भी अच्छी मिले बाय द टाइम उसकी पोजेशन मिलती है गोइंग थ्रू द इंस्टॉलमेंट्स वाला जो हमारा प्रोसेस है, एंड यू आल्सो वांट के बाय द टाइम उसकी पोजेशन मिल जाए तो उसके बाद आपको वो एक अच्छी इनकम भी जनरेट करके दे. ठीक. सो हैव यू बीन टू DHA2? ओके. अगर आप व्हेन यू गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड तो आप देखते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन्स जहाँ पे, उसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं वहाँ तक तो हमारी 5-lane road है, बहुत आप इजीली वहाँ पे पहुँच जाते हैं. और उससे आगे व्हेन यू कीप मूविंग ऑन एक्सप्रेस वे तो उस पर आपको व्हेन यू गो स्ट्रेट तो मल्टीपल सोसाइटीज़ जो हैं उसको क्रॉस करने के बाद राइट साइड पे DHA का जो हमारा गेट आता है, दैट इज़ DHA 2 का गेट नंबर 7, और ये उसकी इस साइड से एक मेन एंट्रेंस है. सो आप फेज़ टू को गेट नंबर 7 से जैसे ही एंटर करते हैं तो ऑन योर राइट साइड विद इन फ्यू सेकंड्स जो रोड स्टीप एक नीचे जा रही है उस पे दिस मॉल इज़ लोकेटेड, एंड दिस इज़ Zameen.com's ओन डेवलपमेंट. दिस इज़ आर सिस्टर कंपनीज डेवलपमेंट, ज़मीन डेवलपमेंट जो है उसकी अपना एक प्रोजेक्ट है. एज़ यू नो वर्दा दैट Zameen.com हैज़ डिलीवर्ड मोर देन 75+ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान विद आर पार्टनर्स, एंड फ्रॉम द टाइम वी हैव स्टार्टेड आर ओन डिवेलपमेंट वी हैव बिन डिलीवरिंग एंड वी हैव स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं. ऑब्वियसली इफ़ ज़मीन इज़ कीन अबाउट, वेरी कीन अबाउट द projects that we have with our partners, तो जो हमारे अपने projects हैं we are very much keen in those projects, and we are making sure that these are signature projects and they go very well in the future. तो आपने मुझे बताया ज़मीन इस मॉल के बारे में, इन दिस प्रोजेक्ट आप मुझे बताएं कि लेट्स सपोज मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे मिनिमम जो है वो मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और क्या चीज़ ऑन ऑफर आप मुझे कर सकते हैं कि जिसका मुझे 2 साल बाद 4 साल बाद या 5 साल के प्लान बाद फ़ायदा हो, और इसका इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह में डाउन पेमेंट कितनी होगी और मुझे कितने साल तक देना पड़ेगा. बेसिकली मैं आपको पहले बताना चाहूँगा यहाँ पे जो है इस मॉल के अंदर हमारे पास 3 तरह की जो है वो इन्वेंट्री के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें द फर्स्ट ऑप्शन इज़ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स. एज यू कैन सी इन दिस लीफलेट दैट दिस इज़ द रोड दैट इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम गेट नंबर 7. तो गेट नंबर 7 से जब आप नीचे आते हैं तो ये एक ग्राउंड फ्लोर की जो एंट्रेंस है वो आपको रोड के ऊपर मिल रही है, एंड व्हेन यू टर्न राइट
इस रोड से जैसे आप राइट टर्न करते हैं, जो एक स्टीप जो ये है, इसकी दो इसकी जो बहुत एंट्रेंसेज नहीं, इसकी जो फेसिंग है वो दो साइड से आती है आपकी, विच इज़ एन एडेड बेनिफिट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ये आपकी जो है ये 150 इसकी बनती है जो इसका एग्जैक्ट एरिया, एंड दिस इज़ 450 square feet, दिस इज़ 150 square feet, एंड these are residential apartment buildings and this is hotel apartment building, and between these two we have commercial starting from here, aur isme aapka jo hai first floor tak aapka sara commercial hai, basically iska jo hai aap dekh sakte hain, you can see this entrance here, ye aapko main ek bade us pe dikhata hu to aapko zyada clear bhi ho jayega, and we can also see a video on our projection as well. So this is the basement. When you enter this basement, you have three basements, isme more than 800 jo hai wo cars ki aapko jo hai wo parking allocate hui hui hai, and after that we have three entrances on the ground floor. This is ground floor, this is ground floor 3, and this is ground floor 2, ठीक है जी। और बेसमेंट के बाद हमें जो फर्स्ट फ्लोर मिलता है राइट अबव बेसमेंट, दैट इज़ लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड पे वी हैव हाइपरमार्ट, एंड अदर देन हाइपरमार्ट वी आल्सो हैव शॉप्स अवेलेबल देयर जो कि उस हाइपरमार्ट की सराउंडिंग में आ जाती हैं। आफ्टर दैट ग्राउंड फ्लोर 3, ग्राउंड फ्लोर 2 एंड ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, दैट इज़ ऑल कमर्शियल। जो आपका फर्स्ट फ्लोर है दैट इज़ कंप्लीट फूड कोर्ट, जिस तरह पे आप सेंट ऑर्स में देखते हैं हमारे साइड पे उसके अपर साइड एंड लोअर साइड वी हैव रेस्टोरेंट्स एंड फूड कोर्ट की शॉप्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और शॉप्स हैं, और बीच में उसका जो सारा एरिया है एट्रियम्स जो हैं उसके सराउंडिंग में जो एरिया है, वी हैव टू एट्रियम्स इन दिस ए स्मॉल, एट्रियम 1 और एट्रियम 2 है, और उसमें जो है एक एट्रियम आपका इस साइड पे आ जाता है रेजिडेंशियल साइड पे, और एक एट्रियम आपका जो है वो होटल अपार्टमेंट्स वाली साइड पे आ जाता है, और उसके बीच में आपका सारा सिटिंग एरिया बना हुआ है, जैसे आपका आप सेंटोरस में देखते हैं एक जी फॉर एवरीबडी हु इज़ कमिंग देयर। सो बेसिकली लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर 3, ग्राउंड फ्लोर 2, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। These are the commercial options that we have available. As I've told you that on first floor we have food court and restaurants. Usme choti shops bhi hain. Again, depends on your budget. You can go for a kiosk. You can go for a small shop. Jisme aapki ye ice cream parlors wagera ye. Acha, rather than I think shop, agar mujhe aap mujhe hotel apartments ke bare mein bataye, to I think that will be more, you know. बेटर फॉर मी बिकॉज मैंने आई स्टडीड सम प्रोजेक्ट्स, जैसे लाहौर में बन रहा है हमारा जी एवेन्यू का, यू नो रमादा की भी चेन आ रही है, तो उस पर होता है कि आप अगर होटल अपार्टमेंट ले लें तो आपको 11 महीने आपको एक रेंटल यील्ड होती है, और यू नो एक महीने का आपको वाउचर मिल जाता है, यू कैन स्टे इन, या आपके गेस्ट स्टे कर सकते हैं। सो डू वी मतलब इधर इस प्रोजेक्ट में जो होटल अपार्टमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह की है? मैं आपको थोड़ा सा इसका होटल अपार्टमेंट का आपको ऑलरेडी आइडिया है, ये होटल सर्विस्ड अपार्टमेंट्स होते हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद वन ऑफ द बिगेस्ट होटल चेन्स इन पाकिस्तान, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम राइट नाउ, इट्स गोइंग टू बी ऑफिशियल वेरी सून। सो दीज आर होटल सर्विस अपार्टमेंट्स, एंड बेसिकली यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, एंड द अपार्टमेंट इज लीज्ड leased out to a hotel, और उसमें आपकी जो है एक फिक्स आपकी रेंटल यील्ड होती है जो हम आपको स्पेसिफाई करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, और उसकी जो आपकी परचेज वैल्यू होती है उसके ऊपर हम आपको बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ पोजेशन इसकी ये परसेंटेज जो है आपको रेंटल यील्ड के तौर पे मिलेगी पर ईयर, एंड वी ऑल्सो टेल यू कि पर मंथ आपको कितना इनकम जनरेट वो करके देगी। नाउ व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम, मैं आपको इसके थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ। वी हैव हमारे जो होटल की इसकी लॉबी है उसमें आपको सारे जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी दैट वी हैव इन एवरी गुड 4-star होटल, और उसी तरह से आपको अमेनिटीज़ जो हैं वो सारी अवेलेबल हैं, जिम है इसमें मैं कुछ आपको वीडियोस वगैरह भी इसकी दिखा देता हूँ, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं होटल अपार्टमेंट्स में, और फिर हर फ्लोर के हिसाब से पर स्क्वायर फीट जी बिल्कुल एग्जैक्टली यू कैन सी ये जो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर हम लोग इसमें प्रोवाइड कर रहे होंगे।
ठीक है जी, और इसमें पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पर फ्लोर क्या आ रहा है इसमें, और फिर उसके हिसाब से हमारे पास जो इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है, जो यूनिट्स अवेलेबल हैं, मैं आपको उसका भी बता सकता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी हॉट प्रोजेक्ट एंड बहुत सारी फ्लोर जो हैं उस पर ऑलरेडी हम लोग जो है वो सोल्ड आउट हैं, तो आई वुड हैव टू सी के कौन सी उसमें अवेलेबिलिटी क्या है, और फिर आप जो है उसके जी इट्स ए 14 स्टोरी बिल्डिंग जिसमें आपकी, मैंने आपको बताया कि 3 बेसमेंट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर 3, ग्राउंड फ्लोर 2, लोअर ग्राउंड एंड देन वी गो टिल 7. इसमें जो आपका सेकंड टू फिफ्थ है वो आपके अपार्टमेंट्स हैं, और फिफ्थ सिक्स जो इसका फ्लोर है वो आपके पेंट हाउसेज हैं, एंड वी ऑल्सो हैव, आई वुड लाइक टू ऐड दैट वी ऑल्सो हैव स्प्लिट पेंट हाउस इज अवेलेबल यहाँ पे, लाइक यू गो इन, यू एंटर पेंट हाउस एंड देन यू हैव स्टेज इन दैट पेंट हाउस, 3 and 4 बेड रूम्स पेंट हाउसेज भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, रेजिडेंशियल साइड पे, और उसमें आप जो है वो अपनी थोड़ी सी, हम लोग ये भी दे रहे हैं अभी सिंस इट्स इन द डिवेलपमेंट फेज, तो हम आपको थोड़ा सा लेवरेज ये भी दे रहे हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू एड समथिंग into the penthouse facility, तो वो भी हम आपकी requirements के अगेंस्ट हम आपको ऐड कर दीजिए जी जी, इफ यू परचेज दैट, ठीक है जी. अच्छा मुझे वैसे बताएं, मेरा अपना जो माइंड सेट था वो तो रेजिडेंशियल की तरफ था कि यू नो जैसे आपने घर ले लिया आप उसे रेंट आउट कर सकते हो, यू नो आपका मंथली रेंट आता रहता है, इन फ्यूचर्स प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, बट यू आर द मार्केटिंग पर्सन एक्चुअली जो कि प्रॉपर्टी का जिसको ज़्यादा आइडिया होगा कमर्शियल का भी और रेजिडेंशियल का भी, सो आपके ख्याल से इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, आपने रहना नहीं है बट जस्ट इन्वेस्ट करना है, ऐसी चीज़ में पैसे लगाने हैं कि यू नो आपको उसका फ़ायदा हो, तो वॉट इज़ बेटर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल? देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट DHA2, मैं आपको DHA2 की एग्जाम्पल दे देता हूँ, इफ़ यू गो एंड यू बाय, लेट्स सपोज आप यू बाय 1 canal house, तो उसमें एक तो सबसे पहली बात यह है कि यू वुड हैव टू पे इन कैश राइट अवे, आपको सारा जो है वो पेमेंट करनी होगी, प्लस जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बाइंग अ हाउस फॉर 3.5 crore, 4 crore, 5 crore, ठीक है, तो वो आपको एक तो राइट अवे देना होगा, उसके बाद फिर आपको जो है उसमें ये एक फैक्टर आप कंसिडर कीजिए कि आपको उसकी जो प्राइस आप पे करें दैट हैज़ बिन अप्रिशिएटेड ऑलरेडी, यहाँ पे जो आप प्राइस पे करें दिस इज़ द इनिशियल बेस प्राइस, वी आर ऑफरिंग 75% to 200% अप्रिसिएशन इन दिस प्रोजेक्ट बाय द टाइम जब इसकी पोजेशन जो है वो दी जाएगी, विच इज़ इन 2023, एंड आई वुड लाइक टू एड फ्यू फैक्ट्स हियर अबाउट द सराउंडिंग्स ऑफ दिस मॉल. DHA2 में देर आर टोटल 10,000 प्लॉट्स अवेलेबल जो हैं, जिसमें से 4,000 हाउसेज बन चुके हैं. DHA में ईयरली ऑलमोस्ट 800 to 1200 हाउसेज कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो यू कैन जो एंटिसिपेटेड इसकी जो है बाय द टाइम ऑफ पोजेशन जो है वो 8,000 हाउसेज वुड बी बिल्ट इन DHA2. तो अगर हम इस मॉल की फुटफॉल को देखते हैं तो DHA2 की ही फुटफॉल को जो है वो कैटर करने के लिए दिस इज़ गुड इनफ, बट अगेन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम गुलबर्ग After Gulberg till DHA2, there is no such project available for all the societies जो उस रोड के both दोनों sides पे आ रहे हैं, तो आप उसका footfall भी consider कीजिए, तो I would say that it's a win-win situation for you, and if you go for any mall or any other project जिसमें right away shops available हैं, apartments available हैं, again you would be paying in one go, ठीक है, ये 30% down payment जिस तरह हम ले रहे हैं यहाँ पे, 30% इज द डाउन पेमेंट, एंड जी इसमें जो है आपको 2023 तक हम लोग जो है इसका 3 years की आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, एंड 10% इज द डाउन, 10% इज व्हाट यू हैव टू पे ऑन पोजेशन, सो 40% के अलावा जो 60% है वो आपका डिवाइड हो जाएगा ऑन द मंथ्स रिमेनिंग मंथ्स. अच्छा मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी थोड़ा रिलेटेड बताइएगा कि लेट्स सपोज इफ आई बाय इट तो क्या डॉक्यूमेंटेशन के क्या प्रोसेसेस होंगे?
इसमें व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इसकी 30% डाउन पेमेंट आप पे करेंगे, आपको ज़मीन की तरफ से इसकी प्रॉपर जो है वो सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करके दी जाएगी। आई वुड वांट टू ऐड हेयर कि दिस प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय DHA और इसमें आपकी एलोकेशन जो होगी उसमें DHA की तरफ से भी आपको एलोकेट किया जाएगा, ज़मीन की तरफ से आपको इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सारी करके दी जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो भी आप इफ़ यू वांट टू बाय इट ऑन योर नेम और इफ़ यू हैव समबडी एल्स फ्रॉम योर फैमिली जिसके अगेंस्ट आप लेना चाहते हैं तो दैट इज़ अगेंस्ट योर CNIC, अ लीगल डॉक्यूमेंट इज़ जनरेटेड और इसकी प्रॉपर आपको पोजेशन और इसकी एलोकेशन जो है वो एक DHA में जिस तरह से आप जाके लेते हैं इसी तरह से द सेम प्रोसीजर वुड बी फॉलोड and it would be allocated on your name. ठीक है, ये तो आपने बड़े अच्छे से मुझे ब्रीफ कर दिया। मुझे वैसे एक जनरल आइडिया दें कि लेट्स सपोज इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करना है रिगार्डलेस ऑफ द प्रोजेक्ट, रिगार्डलेस कि वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो आपको मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, यू नो कि जैसे इतने पैसे होंगे तो कम अज कम एक ढंग की या डिसेंट इन्वेस्टमेंट कहीं हो जाएगी या यू नो कमर्शियल में या किसी भी चीज़ में? देखें, इसमें आपका ऑब्वियसली एरिया टू एरिया काफ़ी वेरी करता है, बट आई वुड से कि अब जो इस्लामाबाद में न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस्लामाबाद के सबर्ब्स में भी हैं, तो आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में आप चले जाते हैं, ये बहुत वेरी करता है, बट अगेन आप 3 million अबव में आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एंड दैट इज़ द कई जगह पे जो है वो आपकी जो यूनिट प्राइस है या टिकट प्राइस है दैट इज़ कंप्लीट जो 3 million है 3.5 million है। अगेन अगर वो इस तरह से हम वो प्रोजेक्ट ऑफर करें तो हम उसमें भी आपको यही ऑप्शंस दे रहे होंगे दैट यू हैव टू पे 30% ऑन डाउन पेमेंट और उसके बाद फिर आपकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं। सो द पॉइंट ऑफ giving these kind of projects and providing these kind of investment opportunities installments ke sath wo ye hai ki so every segment from our people out there har jo hai wo income ka jo portion hai wo sare log jo hain isme invest kar sake to it starts from somewhere around 2-2.5 million and it goes phir aapko pata hai uski koi limit nahi hai, you keep going up 5-6 crore, 7 crore tak whatever it is, to hum chahte hain ki har market segment jo hai hum usko cater kar sake। Thank you very much Ahmed, iski jo nitty gritty se hai we'll do off the camera। So guys, we are in the crystal ball room, come meet us, meet Ahmed, meet his team, meet our entire team, we all are here। It's Crystal Ballroom Zameen Property Sales Event, Marriott Hotel Islamabad, and the closing off timing is 7 PM, so make sure ki agar aap kisi bhi cheez mein interested hain you visit our people here before that। Thank you, give me the down payment now। I will avail some, you know, on the spot deals and discounts too। Yeah, obviously we have discounts. Let's talk about that off the record। Yeah, that's better. Okay, see you guys, thank you for following।